हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने SBI नेट बैंकिंग का प्रोफाइल पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि आप लॉगिन करते हो और आपसे प्रोफाइल पासवर्ड मांगता है, अगर प्रोफाइल पासवर्ड आपका एक्सपायर हो गया है और आप भूल गए हो, तो आप फॉरगॉट पासवर्ड करके कैसे उसको रीसेट कर सकते हो, तो वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए, अब आप जैसे देख पा रहे हैं कि SBI ऑनलाइन का रिटेल बैंकिंग का लॉगिन पेज आपके सामने है, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप नीचे जाकर डायरेक्ट लिंक से भी ओपन कर सकते हैं। चलिए, जैसे ही मैं अपनी यूज़र नेम और पासवर्ड डिटेल जैसे है मैं इसमें फिल करूँगा और उसके बाद कैप्चा फिल करूँगा। तो देख पा रहे हैं, जैसे मैंने फिल कर लिया अपनी डिटेल और कैप्चा फिल कर लिया है, तो कैप्चा आपको पूरा एज इट इज़ लिखना है। जैसे कि आप कैपिटल है तो कैपिटल में, नंबरिक है तो नंबरिक में, स्मॉल लेटर्स में है तो स्मॉल में। तो जैसे ही अब मैं सबमिट का बटन क्लिक करके आगे गया हूँ, तो इसने मेरे को एक OTP मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल पर सेंड किया है। अब मैं उस OTP को यहाँ फिल करूँगा और देन उसके बाद सबमिट पर क्लिक करूँगा। तो ये मुझसे मेरा ओल्ड प्रोफाइल पासवर्ड पूछा है, क्योंकि मेरा प्रोफाइल पासवर्ड एक्सपायर्ड हो चुका है, मैंने ज़्यादा दिन तक यूज़ नहीं किया था। तो आप यहाँ से अपना ओल्ड प्रोफाइल पासवर्ड आपको पता है तो आप यहां से सबमिट करके रीसेट कर सकते हो। रीसेट करने के लिए आपको अपना ओल्ड प्रोफाइल पासवर्ड यहां लिखना होगा और नीचे आप देख पा रहे हो न्यू प्रोफाइल पासवर्ड मांग रहा है, तो आप यहां पे न्यू प्रोफाइल पासवर्ड लिख के नीचे उसको रीटाइप करके आप सबमिट कर सकते हो, तो भी हो जाएगा। अगर आप भूल गए हो तो आप फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करना, तो दोबारा से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जो कि आपको यहां फिल करना होगा। एंटर OTP देख रहे हैं जहां पे आप, तो फिल करके आप सबमिट करोगे तो नेक्स्ट आपको तीन ऑप्शन दिखाएगा। फिर आप अपना हिंट क्वेश्चन आंसर से अपना रीसेट कर सकते हैं। अगर आपने प्रोफाइल पासवर्ड पहले बनाया है, अगर हिंट क्वेश्चन आंसर रखा हुआ है, आप उससे रीसेट कर सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप ब्रांच जाके रीसेट कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है, अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन से भी इसको रीसेट कर सकते हैं। तो आपको चूज़ करना है कि आप कौन सा ऑप्शन लेंगे। तो मैंने चूज़ किया था कि हिंट क्वेश्चन आंसर, जो मुझे मेरे जो क्वेश्चन आंसर मैंने प्रोफाइल पासवर्ड बनाते हुए रखा था, तो मैंने उस ऑप्शन को चूज़ किया है। तो अब आप देख पाएंगे कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा टैब पे, तो इसे सेलेक्ट करके इसको आगे करूँगा नीचे, तो फिर ये आपसे नीचे पूछेगा कि आपको कौन सा हिंट क्वेश्चन आपने सेट किया था। तो इन क्वेश्चंस में से आप वो अपना क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो क्वेश्चन सिलेक्ट जैसे ही आप कर लेंगे ये सारे क्वेश्चंस में से, तो उसके बाद आपको नीचे हिंट का आंसर देना होगा कि वो आपने कौन सा आंसर दिया था उसका। आप ध्यान रखना कि अगर वो कैपिटल में आपने लिखा था तो वो कैपिटल में ही रहेगा, मतलब वो केस सेंसिटिव है। अगर कैपिटल और स्मॉल में है तो आपको दोनों के कॉम्बिनेशन में लिखना है। अगर आपने उसे किसी और चीज़ में लिखा था नंबर्स में, तो वो भी आपको एज इट इज़ लिखना है और लिख के आपको उसे सबमिट करना है। तो पहली बार में मेरा वो इनवैलिड शो कर रहा था, क्योंकि मैंने गलत क्वेश्चन और गलत आंसर सेलेक्ट किया था। तो दोबारा से मैंने उसे किया, जो मेरा क्वेश्चन आंसर था मैंने उसको दोबारा से फिल किया, देन उसे सबमिट किया, तो इसने मेरे को एंटर प्रोफाइल पासवर्ड बोलने के लिए बोला, सेट योर प्रोफाइल पासवर्ड एंड सिलेक्ट अ हिंट क्वेश्चन। तो अब मैं दोबारा से अपना प्रोफाइल पासवर्ड यहाँ से सेट कर सकता हूँ एंटर प्रोफाइल पासवर्ड में जाके, और कंफर्म करूँगा नीचे। देन उसके बाद मुझे दोबारा से वो हिंट क्वेश्चन सिलेक्ट करना पड़ेगा जो उस टाइम पे किया था। आप उससे अलग भी रख सकते हैं हिंट क्वेश्चन, ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम ही रखना है। और नीचे आपको फिर डेट ऑफ बर्थ देनी पड़ेगी, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है अकाउंट की डिटेल्स में, और देन आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। और ये जो नीचे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इसे पढ़ लेना आप अच्छे से एक बार, और जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो ये मेरे को सक्सेसफुल का मैसेज शो करेगा कि आपका सक्सेसफुली सेट हो चुका है प्रोफाइल पासवर्ड और आप यूज़ कर पाएंगे अब अपना लॉगिन करके। आपको सजेस्ट करूँगा कि पासवर्ड को अल्फा न्यूमेरिक में रखने की कोशिश करना, एक इसमें स्पेशल करेक्टर ज़रूर डालना, थोड़ा सा यूनिक पासवर्ड रखना जिसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम, अपना कस्टमर आईडी जैसा या अकाउंट नंबर जैसा कुछ ना हो, कुछ यूनिक रखने की कोशिश करना। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपका कोई क्वेश्चन है अब इससे रिलेटेड, तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मैं आपको फिर दोबारा एक ऐसी वीडियो में मिलूँगा।